हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप सभी के लिए एक नई क्लास लेकर आई हूँ चॉकलेट मिठाई की। राखी आ रही है तो आप इन चॉकलेट मिठाई को अपने हैम्पर में रख सकते हैं, चॉकलेट बॉक्सेस बना सकते हैं इन मिठाई से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए एक फिलिंग बनानी होगी। फिलिंग के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ मेल्टेड चॉकलेट, वाइट मेल्टेड चॉकलेट है ये मैंने, जिसे अच्छे से रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने रख दिया था। इतने दिनों से सब बहुत बिजी चल रहा था तो इसलिए ना वीडियो अपलोड ही नहीं हो रही थी ये वाली, और वीडियो तो कब से बनाई हुई है। और इस कॉन्टेस्ट का रिज़ल्ट, जो कि मैंने कम्युनिटी टैब में एक क्वेश्चन पूछा था इस वीडियो से रिलेटेड, उसका रिज़ल्ट जो है वो उस वीडियो के लास्ट में है, तो वीडियो को ज़रूर देखें। और अब इसमें डाल देते हैं हम 2 चम्मच जितना मिल्क पाउडर। इस फिलिंग से आप बहुत सारी चॉकलेट्स बना सकते हैं, चॉकलेट मिठाई बना सकते हैं। 10-11 टाइप की चॉकलेट मिठाई तो मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रेस्ट जो बच गई है वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ। और अब इसमें डाल लेते हैं 1 टेबल स्पून जितनी आइसिंग शुगर, पिसी हुई चीनी ही लेनी है आपको। थोड़ा सा इसमें वेनिला एसेंस डाल देते हैं। और ये मेरे पास फ्रेश क्रीम रखा था, 2 बड़े चम्मच मैंने फ्रेश क्रीम डाला है। और इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे तो आपकी ये फिलिंग बचेगी ही नहीं, क्योंकि आप जब बल्क में चॉकलेट्स बनाओगे तो आपको ज़्यादा फिलिंग बनानी पड़ेगी। बट अगर आपकी ये फिलिंग बच जाती है तो आप इसे क्लिंग रैप करके फ्रिज में 10 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। गाइज़, आप सबकी ना बहुत सारी क्वेश्चंस आते हैं कि हमारी चॉकलेट जो है वो रूम टेम्परेचर पर मेल्ट हो रही है, तो उसके लिए भी मैं नेक्स्ट वीडियो एक बनाती हूँ, प्लीज़ उसे जरूर देखिएगा। और ये अब मेरे पास एक काजू कतली मोल्ड है और मैंने अपनी वाइट चॉकलेट में डाला है थोड़ा सा येलो कलर। और अब इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा रसमलाई एसेंस, ये फेब के एसेंस है जिसके एसेंस बहुत अच्छे होते हैं, तो अगर आप चॉकलेट पे काम कर रहे हो तो फेब के एसेंस तो मस्ट है आपके लिए। और ये हमारा देखिए जो वाइट चॉकलेट है वो येलो कलर में ट्रांसफ़र हो चुका है। अब इसको हम अपने जो काजू कतली मोल्ड्स हैं इसमें फिल कर लेते हैं। उससे पहले मेरे पास चॉप बादाम है, चॉप पिस्ता है, और ये थोड़ी सी मेरे पास रोज़ पेटल्स हैं। इसे हम अपनी मोल्ड में फिल कर लेते हैं। अगर आप सबको इस मोल्ड का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। और पहले भी जिन वीडियोस में मैंने जो भी आइटम्स, जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, तो प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिए। और ये देखिए हमारी जो फिलिंग है वो रेडी हो गई है। इस पर थोड़ा सा एक पेटल जितना मैंने केसर डाल दिया है, एक थ्रेड केसर लगाया है, और थोड़े सी चॉप्ड पिस्ता डाल देती हूँ। और अब हमने जो ये वाइट चॉकलेट है जो कि एकदम रूम टेम्परेचर पर है वो डालेंगे अब हम। अगर आप सभी को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, क्योंकि आपके जो कॉमेंट्स हैं मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और वीडियोज़ बनाने के लिए। ये हमारी रसमलाई चॉकलेट मिठाई बन रही है। इस वीडियो में आप सभी को 2 तरीके से मैंने चॉकलेट मिठाई बनाना सिखाया है। ये वाली जो चॉकलेट मिठाई है हम विदाउट फिलिंग बना रहे हैं, काजू कतली शेप में हम इसे बना रहे हैं। इसे अब अच्छे से टैप कर लेंगे और 10 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। जब तक वो सेट हो रही है हमारी रसमलाई मिठाई चॉकलेट, तब तक हम अपना जो चॉकलेट मिठाई है, रसमलाई चॉकलेट मिठाई जो फिलिंग के साथ बनाएंगे, उसका शेल क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने लिया थोड़े से चॉप पिस्ता बेस पे और थोड़ा सा रोज पेटल डाला है। और जो भी हमारी वाइट चॉकलेट थी जिसमें हमने येलो कलर डाला था, उससे अब हम एक शेल क्रिएट कर लेंगे और उसको स्पून की हेल्प से इस मोल्ड में चारों तरफ लगा देंगे। अगर आपके पास बल्क ऑर्डर है तो आप क्या करना, सारे जो मोल्ड है उसको अच्छे से चॉकलेट से फिल कर लेना एंड देन इसे अपसाइड डाउन कर देना, और जो हमारा एक्स्ट्रा चॉकलेट है वो नीचे जो आप बटर पेपर लगाओगे उसके ऊपर आ जाएगा, सो दैट हमारी जो चॉकलेट है वो वेस्ट भी ना हो और हमारा जो काम है वो ईजी हो जाए। अभी रिसेंटली मैं मास्टर शेफ़ कॉन्टेस्ट के लिए गई थी, ऑडिशंस थे मेरे वहाँ पर, तो मैं वहाँ पर अपनी प्लेटिंग में जो चॉकलेट मिठाई बनाई है वो भी रखी थी मैंने प्लेटिंग में। तो वहाँ पर जो जजेस थे उनको ये चॉकलेट मिठाई इतनी ज़्यादा पसंद आई थी ना, उन्होंने मुझसे इसकी रेसिपी मांगी कि आपकी चॉकलेट मिठाई की रेसिपी दो मुझे। तो प्लीज़ आप भी एक बार ये चॉकलेट मिठाई ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। और जो मैंने वो शेल क्रिएट किया था उसे मैंने फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया। अब मैं एक बाउल में थोड़ी सी जो हमारी जो हमने फिलिंग रेडी करी थी वो ली है, 1 ड्रॉप जितना कलर डाल रही हूँ, ऑयल कैंडी कलर है, थोड़े से रोज पेटल्स और थोड़े से चॉप पिस्ता और बादाम डाल देते हैं, थोड़ा सा रसमलाई एसेंस डाल देती हूँ मैं यहाँ पर। इन सबको अच्छे से मिक्स करके इनकी एक फिलिंग रेडी कर लेंगे। कलर जो है वो इस फिलिंग में ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। और ये हमारी रसमलाई चॉकलेट मिठाई के लिए जो फिलिंग है वो बनकर रेडी हो चुकी है। जब तक हमारा वो शेल क्रिएट हो रहा है, शेल सेट हो रहा है, हम अपनी जो 3rd मिठाई है वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैं बना रही हूँ पान गुलकन चॉकलेट मिठाई। इसके लिए मैंने वाइट चॉकलेट में थोड़ा सा ग्रीन कलर डाला है, ऑयल कैंडी कलर है, और अब हम इससे एक शेल और क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे से गलती हो गई थी, मुझे ऑयल कैंडी कलर डालना था और मैंने
जो हमारे जेल बेस्ड कलर होते हैं वो डाल दिया, और इससे जो मेरी चॉकलेट है वो थोड़ी सी हार्ड होना स्टार्ट हो गई थी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक बहुत अच्छी टिप देती हूँ। अगर आप सभी के पास कभी ऑयल कैंडी कलर नहीं है तो आप क्या करेंगे, सिंपल जो जेल कलर्स आते हैं केक कलर्स जो होते हैं उसमें वो डालेंगे चॉकलेट में, और थोड़ा सा एक दो ड्रॉप जितना हम डालेंगे ऑयल, और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, जो हमारा जेल कलर है वो ऑयल कलर में चेंज हो जाता है और आपका काम हो जाएगा। और अब मैंने यहाँ पर जो हमारी रसमलाई चॉकलेट फिलिंग थी वो अच्छे से फिल कर दिया, प्रेस करके फिल करी है। आप इस चॉकलेट मिठाई के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक शेयर करती हूँ, वो वाला मोल्ड परचेज़ करिएगा। वो वाला मोल्ड बहुत अच्छा है, उसकी डेप्थ है, इसमें डेप्थ थोड़ी सी कम थी। तो अब हमारी जो चॉकलेट मिठाई है उसके ऊपर मैं ये जो हमने रसमलाई वाली जो चॉकलेट रेडी करी थी वो पोर कर देती हूँ, और उसे अच्छे से सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब हम अगर आपकी चॉकलेट साइड एजेस में से निकल रही है तो कोई बात नहीं, हम बाद में उसे सीजर से नाइफ की हेल्प से ट्रिम कर सकते हैं। और अब जो हमारे पास ये चॉकलेट बची थी ग्रीन वाली, पान ग्रीन वाली जो चॉकलेट बची थी उसमें मैं थोड़ा सा गुलकंद डाल देती हूँ, और थोड़ी सी जो रेड कलर की सौंफ आती है वो डाल देते हैं क्रंचीनेस के लिए। ये वीडियो देखने में तो 18 मिनट का, बट इसे बनाने में मुझे 3 घंटे लगे थे, और जो वीडियो शूट हुआ था वो 48 मिनट्स का हुआ था, उसे ट्रिम आउट करके मैंने 18 मिनट्स का बनाया। और अब हम इसमें डाल देते जो हमने फिलिंग स्टार्टिंग में रेडी करी थी वो डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे, और हमारी पान गुलकंद फिलिंग जो है वो रेडी हो जाएगी। मैं हार्विक कम्युनिटी टैब में एक क्वेश्चन पुट अप करती हूँ अपनी चॉकलेट क्लास से रिलेटेड, तो प्लीज़ कम्युनिटी टैब भी चेक करिए। उसमें एक कॉन्टेस्ट रखा जाता है हर वीक, और इस वीक की कॉन्टेस्ट जो था उसमें ये पूछा गया था कि मैंने कितनी तरह की चॉकलेट मिठाई बनाई है, उसका आपको नाम बताना था। तो उसका विनर भी अभी देख लेते हैं। और अब हम अपनी फोर्थ चॉकलेट तैयार कर लेते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है वाइट चॉकलेट, उसमें थोड़ा सा जो है मैंने ग्रीन कलर ऐड किया है। वो वाली जो चॉकलेट थी वो मैं फिलिंग के साथ बना रही थी, और ये वाली जो चॉकलेट है मैं विदाउट फिलिंग बना रही हूँ। और उसके लिए मैंने लिया ड्राई रोज पेटल्स, थोड़ा सा सौंफ लिया है पान वाला जो सौंफ होता है, और थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट डाला है। थोड़ी सी अब मैं इसमें टूटी फ्रूटीज डाल देती हूँ, ये सब हमें अपने बेस में डालना है। और ये हमारी पान चॉकलेट मिठाई बन रही है। ध्यान रखिए जो आप ये विदाउट फिलिंग मिठाइज बनाएंगे इनकी शेल्फ लाइफ जो है वो 1 मंथ तक होती है। फ्रिज में आप इन्हें एयरटाइट कंटेनर में या फिर अच्छे से क्लिंग रैप करके स्टोर कर सकते हैं, और जो हम फिलिंग वाली मिठाई बनाएंगे वो 3 to 4 days तक ही चलेगी। और अब जो हमें वाइट चॉकलेट जिसमें हमने ग्रीन कलर डाला था वो अच्छे से पोर कर देंगे, और इसे टैप नहीं करना है हमें। जब भी हम कोई भी ऐसी चॉकलेट बनाते हैं जिसके बेस में हमने फिलिंग करा होता है उसे ज़्यादा टैप नहीं करते, तो फिलिंग होती है वो हमारी ऊपर आ जाती है और जो चॉकलेट होती है वो सारी नीचे बैठ जाती है, और उससे क्या होता है जो हमारी फिलिंग होती है वो शो नहीं होती। अभी तक वीडियो में मैंने आपको 4 टाइप्स की चॉकलेट मिठाई बता दी है, 2 तरह की रसमलाई चॉकलेट मिठाई और 2 तरह की पान मिठाई। पान चॉकलेट मिठाई और रसमलाई चॉकलेट मिठाई बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग रहता है ये फ्लेवर, और हमेशा मतलब लोग इसे बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। तो आप अपने जो मेन्यू में चॉकलेट मेन्यू में ये वाला जो फ्लेवर है ये वाला ज़रूर ऐड करिएगा, बहुत ज़्यादा मतलब सेलिंग वाला जो होता है ना वो रहता है। और अब जो हमारा पान शेल था वो भी बनकर रेडी हो चुका है, और इसमें हम अपनी पान फिलिंग रेडी कर देते हैं। इसे अच्छे से हमें प्रेस करना है सो दैट जो फिलिंग है वो बाहर ना निकले। और अब हम इसके ऊपर जो ग्रीन चॉकलेट हमारे पास है वो डाल देते हैं ताकि जो इसकी फिलिंग है वो बंद हो जाए। नेक्स्ट चॉकलेट वीडियो जो होगी वो राखी स्पेशल बार्स होंगे, तो तब तक मेरे जो चैनल है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक ज़रूर करना ताकि मैं अच्छे से मोटिवेट हो जाऊँ उस वीडियो को बनाने के लिए। और ये हमारा जो चॉकलेट मोल्ड है फ्रिज में गया, और अब मैं इसे सेट कर देती हूँ। नेक्स्ट जो हमारी 5th मिठाई है वो है मथुरा पेड़ा मिठाई, वो बना लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा आइसिंग शुगर लिया है, उसको बेस में लगाया है, और अब वाइट चॉकलेट में मैंने ये डाला है, मथुरा एसेंस था मेरे पास, मथुरा पेड़ा एसेंस था। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जो एसेंस है वो भी हमें ऑयल बेस्ड एसेंस ही लेने हैं, जेल बेस्ड एसेंस नहीं लेने। आप चाहे तो इस वाइट चॉकलेट में थोड़ा सा ब्राउन कलर डाल सकते थे, मेरे पास ब्राउन कलर नहीं है, अगर आपके पास है तो वो आप इसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं सो दैट ये प्रॉपर एक पेड़े वाला लुक देगा आपको। हमें मोल्ड को पूरा फिल नहीं करना है, इससे भी हम एक शेल क्रिएट करेंगे। और अब हमारा जो ये शेल है वो अच्छे से क्रिएट हो चुका है, और अब हम इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख देते हैं। और चलिए नेक्स्ट जो हमारी मिठाई है वो देख लेते हैं। उससे पहले क्या करते हैं, जो हमने मिठाई फ्रिज में सेट होने के लिए रखी थी वो निकाल लेते हैं। और ये देखिए हमारी जो रसमलाई चॉकलेट मिठाई है वो बनकर रेडी हो गई है। इसके एजेस हैं वो मैं ट्रिम कर लेती हूँ नाइफ की हेल्प से। और जो हमारी नेक्स्ट जो हमने पान मिठाई बनाई थी वो भी बनकर रेडी हो चुकी है। मैं यही चीज़ कही थी कि अगर आप टैप नहीं करेंगे तो आपको इतनी अच्छी शो होगी फीलिंग, जैसे हमें शो हो रही है वैसे शो होगी सबको। नंबर 6 की मिठाई देख लेते हैं क्या बन रही है। उसके लिए थोड़ा सा वाइट चॉकलेट लिया है एक बाउल में,
और उसे अच्छे से थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर लाने की कोशिश करेंगे और उसमें डाल देते हैं पिंक ऑयल कैंडी कलर। 1 ड्रॉप जितना ही ऑयल कैंडी कलर इनफ होता है, छोटी सी ड्रॉप डालनी है हमें और उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये हमारा पिंक चॉकलेट बनकर रेडी हो गया है। आप इसको स्ट्रॉबेरी चॉकलेट भी बना सकते हैं। इसमें आपने क्या करना था, बस इस चॉकलेट में हमें स्ट्रॉबेरी एसेंस डालना था, तो ये हमारी स्ट्रॉबेरी चॉकलेट बन जाती है। और इस तरह का ये पीवीसी मोल्ड लिया है मैंने यहाँ पर, और इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़े से रोज़ पेटल्स डाले मैंने यहाँ पर, ड्राई रोज़ पेटल्स हैं। थोड़े से चॉप पिस्ता डाल देते क्योंकि हम रोज़ पिस्ता चॉकलेट मिठाई बना रहे हैं, तो ये थोड़े से चॉप पिस्ता थे वो डाल दिए मैंने यहाँ पर। और अब हम अपनी चॉकलेट में डाल देते हैं रोज़ एसेंस। अगर आपके पास रोज़ एसेंस नहीं है तो आप क्या करिएगा, थोड़े से फ्रेश रोजेज़ के पेटल्स ले और उसे क्रश करके, अच्छे से क्रश करके इसमें जो हमारी चॉकलेट है इसमें मिक्स कर लेंगे। और ये जो चॉकलेट है ये अब मैं इसके ऊपर पोर कर देती हूँ और हमारी जो रोज़ पिस्ता चॉकलेट है वो बनकर तैयार हो जाएगी। इस वीडियो में 2 तरह से चॉकलेट बनानी बताई गई है, फिलिंग और नॉन फिलिंग। वैसे तो मुझे अलग अलग वीडियोस बनानी थी बट राखी आ रही है तो मैंने एक ही साथ ये सब वीडियो बना दी है। और जो हमने पेड़ा वाली चॉकलेट थी उसको सेट किया था, अब उसमें हमारी जो फिलिंग है उसको ऐड कर देते हैं। आपको इस फिलिंग में कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो हमने फिलिंग बनाई थी मैं उसी को ही ऐड कर रही हूँ। और इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे और थोड़ी सी वाइट चॉकलेट इसके ऊपर लगा देंगे। फिलिंग में क्रीम की जगह आप कंडेंस मिल्क भी यूज़ कर सकते थे, बट इन केस अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो, क्योंकि कंडेंस मिल्क भी मीठा होता है और हमारा जो चॉकलेट है वाइट चॉकलेट वो भी मीठा होता है, तो ये इनफ था मेरे लिए। अगर आप किसी को ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप उसमें थोड़ा सा कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। ये थोड़ी सी मैसी हो गई थी, कोई बात नहीं, इसे ट्रिम आउट कर लेंगे बाद में। और ये लीजिए हमारी जो 5 चॉकलेट मिठाई और रसमलाई चॉकलेट मिठाई वो बनकर रेडी हो गई है। और इस वीडियो में आप ये देखिएगा मेरी जो चॉकलेट्स हैं इन पे बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं आया, क्योंकि मैंने इन्हें अच्छे से सेट किया है, ढककर सेट किया है। और आप सबके सामने ये चॉकलेट्स ऐसे ही रखी हुई है, इन पे बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं आया हुआ है। इवन चॉकलेट्स में जो है वो प्रॉपर शाइन भी है, तो इसलिए प्लीज़ पहले अपनी चॉकलेट को अच्छे से टेम्पर करिए, देन उसे अच्छे से सेट करिए 10 मिनट के लिए फ्रिज में। अब नेक्स्ट वीडियो देख लेते हैं वो क्या है, नेक्स्ट चॉकलेट मिठाई क्या है। उसके लिए मैं एक और शेल क्रिएट कर रही हूँ। ऐसे चॉकलेट शेल क्रिएट करना थोड़ा सा टफ होता है, तो अगर आप बल्क ऑर्डर ले रहे हैं, ये तो मेरे को सिर्फ आपको वीडियो में दिखाना था, अगर आप बल्क ऑर्डर ले रहे हैं तो आप पूरा जो मोल्ड है वो फिल करें और उसे अप डाउन कर दें। और जो हमारी पेड़ा चॉकलेट मिठाई थी वो बनकर रेडी हो गई है। इसके ऊपर से जो एक्स्ट्रा आइसिंग शुगर है उसे टैप करके रिमूव कर देंगे और जो एक्स्ट्रा एजेस है इसके वो नाइफ की हेल्प से ट्रिम आउट कर लेंगे। और ये लीजिए जो हमारी चॉकलेट मिठाई है, चॉकलेट मथुरा पेड़ा मिठाई है, वो बनकर रेडी है। हमारी चॉकलेट मिठाई तो रेडी हो गई, बट ये सिंपल अभी हमें चॉकलेट जैसी लग रही है, क्योंकि खाने के बाद ही पता लगेगा हमें ये चॉकलेट मिठाई है। उसके लिए हमें इसे मिठाई वाला लुक दे देते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये गोल्डन फ्लेक्स हैं, आप थोड़े थोड़े जो फ्लेक्स हैं जैसे मिठाई पर लगे होते हैं ना, हमारी जो हमें शॉप से मिलती है उन पर ये फ्लेक्स लगे होते हैं ना, वो लगा दे और ये आपको प्रॉपर एक जो है मिठाई वाला लुक देंगे इसके लगाने के बाद। अगर आपके पास नहीं है तो ये ऑप्शनल है, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। और अब मैं जो है अपनी 7th मिठाई देख लेते हैं वो क्या है। उसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जो है जो हमने फिलिंग रेडी करी थी वो ले लेते हैं। और अब हम इसमें क्या डालेंगे, इतने दिनों बाद वीडियो एडिट कर रही हूँ कि मैं ही भूल गई मैंने इस मिठाई में क्या क्या डाला था। हाँ, याद आ गया। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़े से चॉप कैश्यूज, काजू है मेरे पास, और ये हम बनाएंगे अपनी काजू कतली वाली मिठाई। ये वाली मिठाई हम काजू कतली वाले मोल्ड में भी बना सकते हैं, बट उस मोल्ड का जो डेप्थ है वो थोड़ा सा है, तो इसलिए मैंने उस मोल्ड में नहीं बनाई क्योंकि उसमें फिलिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जो हमारी नेक्स्ट चॉकलेट मिठाई है उसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कंडेंस मिल्क ले रही हूँ। और अब इसमें मैं डालूँगी जो हमने फिलिंग रेडी करी है वो डालेंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं अपनी कोकोनट चॉकलेट मिठाई जो कि खाने में बहुत ही यम्मी होती है, मतलब मेरी फेवरेट वाली है ये वाली। थोड़ी सी अब इसमें मैं फिलिंग ऐड कर देती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करके हम एक फिलिंग रेडी कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो तो मेरी डिसाइडेड है कि क्या बनने वाली है। अगर आपको और कोई चॉकलेट से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अब हम इसको जो हमने फिलिंग रेडी करी है, ये हमारे शेल क्रिएट किया था उसमें फिल कर देते हैं। अच्छे से आपको प्रेस करके ही फिल करना है। और अब इसके ऊपर हम दोनों अपनी जो चॉकलेट मिठाई है इनके ऊपर वाइट चॉकलेट ऐड कर देते हैं, डाल देते हैं। अभी तक मैंने आपको टोटल 8 तरह की जो है वो मिठाई बताई है, और कॉन्टेस्ट में भी एक है जिन्होंने सारी जो चॉकलेट मिठाईज हैं ऑलमोस्ट उनका आंसर था मेरी वाली जो चॉकलेट मिठाई है वही था। और ऊपर से इसके ऊपर डाल देते हैं काजू कतली के ऊपर थोड़े से काजू, चॉप काजू डाल देते हैं। ये ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालो, वरना आप ये पार्ट स्किप भी कर सकते हैं। और उसके ऊपर थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट डाल देती हूँ, इससे हमारी जो चॉकलेट है वो वेरी हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चॉकलेट्स हैं। और ये हमारी जो रोज़ वाली जो हमने रोज़ पिस्ता मिठाई बनाई थी वो बनकर रेडी हो चुकी है। और ये देखिए
कितनी अच्छी लग रही है, और इस चॉकलेट के ऊपर बिल्कुल भी जो है मॉइस्चर नहीं है, शाइन है एकदम अच्छे से। और जो अब हमारी नेक्स्ट चॉकलेट मिठाई है जल्दी से वो बना लेते हैं। इसके लिए व्हाइट चॉकलेट में मैंने थोड़ा सा रेड कलर डाला है एक ड्रॉप जितना, और उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इसमें मैं थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ऐड कर रही हूँ, और जो हमने फिलिंग रेडी करी थी थोड़ी सी फिलिंग वो ऐड कर देते हैं, और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उससे पहले इसमें थोड़े से चॉप्ड आलमंड डाल देते हैं, इसका टेस्ट ना वैसा आएगा जैसे हम मार्केट में वो टूटी फ्रूटी वाली आइसक्रीम नहीं खाते हैं, वैसा वैसा टेस्ट आएगा जब आप इसे एकदम ठंडी चिल खाओगे तो। और इसका नाम क्या देते हैं, इसका नाम दे देते हैं टूटी फ्रूटी आलमंड चॉकलेट मिठाई। अब अपने मोल्ड में बेस में हम थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ऐड कर देंगे, डाल देंगे, और ये जो हमने चॉकलेट रेडी करी है वो डाल देते हैं, और इसे अच्छे से प्रेस करके सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। और साथ के साथ मैंने अपने लिए जो दूसरा शेल है वो भी क्रिएट कर लिया है, और इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख देते हैं। और ये लीजिए हमारे जो सारे शेल्स थे वो बनकर रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर वीडियो का छोटा सा पार्ट था वो शूट नहीं हो पाया था, जो मैंने अपना वाइट वाला शेल क्रिएट किया था उसमें मैंने राजभोग चॉकलेट मिठाई बनाई थी। उस मिठाई में मैंने क्या किया था, फिलिंग में थोड़े से चॉप पिस्ता, थोड़े से काजू और थोड़ा सा राजभोग एसेंस डाल के उसे सेट किया था। और ये मैं अपनी लास्ट मिठाई बना लेती हूँ, रोज़ कलाकंद मिठाई। इस मिठाई में रोज़ का भी फ्लेवर आएगा आपको, और जो हमने अंदर फिलिंग करी है उससे आपको एकदम कलाकंद वाला फ्लेवर आएगा। और इसको अच्छे से फ्रिज में सेट कर लेंगे, और जो हमारे बाकी की मिठाईज हैं उन्हें अच्छे डीमोल्ड कर लेते हैं। रोज़ कलाकंद चॉकलेट मिठाई बनाने के लिए पहले मैंने रोज चॉकलेट से जो है वो अपना एक शेल क्रिएट किया था, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा जो हमने फिलिंग रेडी करी थी वो डाला था, थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट और थोड़े से रोज पेटल्स डाल के उसे अच्छे से सील कर दिया था, और हमारी रोज़ कलाकंद चॉकलेट मिठाई बनकर रेडी हो जाएगी। और ये लीजिए हमारी सारी चॉकलेट मिठाई बनकर रेडी है। अब हम इन्हें अच्छे से डीमोल्ड कर लेते हैं, और हमारी जो है ये 11 टाइप्स ऑफ चॉकलेट मिठाई बनकर रेडी है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस चॉकलेट कॉन्टेस्ट मिठाई की विनर है ममता जी, जिन्होंने ममता गुप्ता जी, जिन्होंने मेरी 6 चॉकलेट मिठाई बताई है जो मैंने इस वीडियो में बताई है। एंड आई विश टू से थैंक यू ईच एंड एवरी वन जिन्होंने भी इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। एंड ममता जी प्लीज़ अपना एड्रेस जो है वो मुझे DM कर दीजिए मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये चॉकलेट मिठाई की वीडियो पसंद आई होगी। और ये देखिए चॉकलेट के ऊपर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, और जो ये एजेस हैं ये मैंने ट्रिम आउट कर लिए थे बाद में, और आप भी जरूर कर लीजिएगा अपनी जो चॉकलेट है उसे फिनिशिंग देने के लिए। और मैं आपको 2-3 चॉकलेट मिठाई जो है वो अच्छे से कट भी करके दिखा देती हूँ। और ये देखिए हमारी ये थी रसमलाई चॉकलेट मिठाई, फिलिंग देखो अच्छे से एकदम सेट है ना इसमें। और आप सभी को इसको क्लिंग रैप करके फ्रिज में सेट होने के लिए रखना है। और जो फिलिंग वाली चॉकलेट मिठाई है वो 3-4 डेज तक सेट रहेगी फ्रिज में, अच्छे रहेगी, फ्रेश रहेगी। और जो हमारी नॉन फिलिंग वाली चॉकलेट मिठाई है वो आप 1 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। जल्दी मिलूंगी आप सभी के साथ नेक्स्ट राखी चॉकलेट रिलेटेड वीडियो, वो वीडियो है राखी से रिलेटेड वीडियो है, उसे जरूर देखिएगा, उसे मिस मत करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई सजेशन देने हैं या फिर कुछ वीडियोज से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो से रिलेटेड जो कॉन्टेस्ट होगा वो कम्युनिटी टैब में डाल दिया जाएगा, तो प्लीज़ कम्युनिटी टैब जरूर चेक करिए। थैंक यू एंड बाय।